नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 44 से लगातार हादसे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक कर ये तीन गाड़ियां हैं, दो कार आपको नजर आ जाएगी और एक ट्रक आपको नजर आ जाएगा, बुरी तरीके से आपस में टक्कर हो जाती है। क्योंकि कई जो है कई समय से बताया जा रहा है, काफी देर से एक शव आगे पड़ा हुआ था। जी हाँ, एक शव आगे पड़ा हुआ था, ये गाड़ी आप देख सकते हैं और एक पीछे ट्रक है, उससे आगे एक गाड़ी, एक ब्रेजा ये गाड़ी है और एक गाड़ी आपको ये नजर आ जाएगी, एक ट्रक जो है आपको नजर आ जाएगा। तीन गाड़ियां एक एक कर आपस में टकरा जाती है। हालांकि इस गाड़ी में एक बच्चा है, एक महिला है, परिवार अंदर है, वो भी कहीं ना कहीं बाल बाल बचे, क्योंकि जिस तरीके से टक्कर हुई है अचानक से बताया जा रहा है कि ये दिखाई देता है कि आगे एक शव पड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस की टीमें जो है वो मौके पर जरूर पहुंची हुई है, पुलिस की जो टीमें मौके पर पहुंची हुई है, हम उनसे भी जानकारी। पीछे दूसरी गाड़ी आ रही थी, वो उसने एकदम ब्रेक मारे, तो उसके ब्रेक मारने के बाद जो उसके पीछे गाड़ियां थी वो गाड़ियां उसमें टकरा कर वो एक्सीडेंट में वो खड़ी डैमेज है। वो अलग चार गाड़ियां टकरा गई। हाँ, चार पांच गाड़ियां वो अलग से टकराई हैं। और डेड बॉडी को बुलाया जाएगा? डेड बॉडी पड़ी है फिलहाल, तो यहीं पड़ी है जी, बुलाया थाने से आईओ को बुला लिया और डेड बॉडी। सर ऊपर हालांकि जो पुल है वो भी बना हुआ है, क्रॉसिंग का लोहे का पुल बना हुआ है, लोगों से अपील करेंगे कि वहां से पार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अपील करेंगे भाई, ये रास्ता बनाया जो रास्ते से चले भाई, ऐसे क्रॉस मत करें। बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। बलवान सिंह आप देख सकते हैं, बलवान जी हैं, डायल 112 से भी जो है मौके पर और तमाम पुलिस की जो टीमें हैं वो पहुंच जाती हैं, लेकिन एक शव जो है यहाँ पर पड़ा रहता है। शव वाहन हालांकि अब मौके पर पहुंचे, अंदर परिवार है, काफी ज्यादा परेशान ये लोग भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जब शव देखा जाता है तब बताया जा रहा है कि ये गाड़ियां ब्रेक मारती है, क्योंकि आगे एक शव पड़ा हुआ, तो जो काफी देर से बताया जा रहा है कि यहाँ पर पड़ा हुआ था और अचानक से ये हादसा हुआ है। ये आप उनका जो है एक जूता देख सकते हैं, एक शूज देख सकते हैं और डायल 112 की गाड़ियां और पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच जाती है। हालांकि और भी यहां पर लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पीछे जो है ये हादसा हुआ जिससे एक एक कर तीन गाड़ियां टकरा गई और एक आगे भी ट्रक बताया जा रहा है जो शायद यहां से जा चुका है और एक शव जो है वो यहीं पर अभी भी जो है वो पड़ा हुआ है। हालांकि शव वाहन जो है मौके पर जरूर पहुंचा हुआ है, शव वाहन जो है मौके पर पहुंच जाता है। काफी देर से ये शव जो है इसी तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ था। राखी जो गाड़ी चालक है हम उनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो है ब्रेक मारी थी, क्या कुछ हुआ था, एक बार जानकारी उनसे ले लेंगे, क्योंकि एक अंदर उनकी जो है पत्नी है, बच्चा है, वो भी कहीं ना कहीं बाल बाल इस पूरे हादसे में बचे हैं। आप देख सकते हैं दो परिवार हैं, एक ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं जीप ये गाड़ी है और कहीं ना कहीं HR01 नंबर जो है ये गाड़ी, और बड़ा हादसा होता है। डायल 112 की गाड़ियां मौके पर हैं, एक जो है ट्रक यहां पर बुरी तरीके से टकरा जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि शव वाहन को मौके पर जो है वो बुलाया गया है, शव वाहन के जो है अभी मौके पर जरूर पहुंचा है और भी आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच जाते हैं, जैसे ही सूचना लगती है तो मौके पर पहुंच जाते हैं। हालांकि जिन्होंने इस शव के ऊपर अपना परना डाला है हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे। आईओ भी जो है मौके पर पहुंच जाते हैं, नजदीकी पुलिस चौकी से जो है आईओ अभी फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जिन्होंने शव को देखकर यहाँ पर ये रुके हैं और जिसके बाद जो है तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस को सूचना उसके बाद जो है दी गई है। एक बार हम इनसे बातचीत कर लेंगे। सर क्या हुआ था? पाया उत्ते ये नहीं पता जी केड़ा मार गया, उतो निकला एक जूता उदा पिया, एक हो पिया जी परना उत्ते पा दिता जी। मैं सा भरा ही तीन चार दो ट्रक तेरे उतो लंघ गए हैं, उन्हें डर दे मारे ब्रेक मार दी जी, उन्होंने पिछे वो हादसा हो गया, इन्हें नहीं पता भी केड़ा मार गया जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दो ट्रक है तो ऊपरों निकले परना पा दिता है तो ऊपर चले। हाँ जी वेखो बुरी हालत है बस जी। कोई भैया बिहारी लगता है जी, इतना तो है नहीं लोकल जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिहारी लगता है। हाँ मजदूर कोई आया होना रोटी खाना बेचारा खा के जो मार गया जी कोई ट्रक वाला, ना तो मैं दरड़ता जी। हाँ जी लखविंदर सिंह। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये दरड़ से हैं लखविंदर जी और इन्होंने फिलहाल इस बॉडी पर परना डाला। जब बॉडी जो है यहाँ पर
ये दिखाई देती है इनको। हालांकि अभी जो है शव वाहन भी मौके पर पहुंचा हुआ है, शव वाहन जो है वो मौके पर पहुंच जाता है और आप देख सकते हैं अभी बॉडी को यहां से हटाया जाएगा। एक बड़ा हादसा, एक बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि इनके काफी ज्यादा बाल जो है सफेद जरूर नजर आ रहे हैं और एक परना नीले और सफेद रंग की डब्बीदार ये परना जो है इन्होंने डाला हुआ है। करनाल के लोग हैं, आसपास के लोग हैं जिन्होंने बॉडी को जब देखा तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई और पीछे ही जो गाड़ी चालक है उन्होंने भी देखा और उन्होंने पीछे अपनी गाड़ी को रोकी जिसके चलते उनका भी हादसा हो गया, उनके साथ भी एक्सीडेंट हो गया। दो से तीन गाड़ियां आप देख सकते हैं, दो गाड़ी एक काले रंग की एक सफेद रंग की और उसके पीछे एक ट्रक है जो टकरा जाता है और एक हादसे का शिकार हो जाता है। वो लोग भी बाल बाल बचे, हालांकि कई वाहन बताया जा रहा है इसके ऊपर से निकल जाते हैं। काफी देर बाद जो है बॉडी को देखा गया है जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, नजदीकी पुलिस चौकी को सूचना दी गई और शव वाहन अब मौके पर पहुंचा हुआ नजर आएगा। आप लोगों से अपील यही रहेगी, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये तस्वीरें हैं करनाल से, करनाल नेशनल हाईवे 44 से, जहां पर लगातार हादसे जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील रहती है कि आप जो है इस तरीके का हादसा देखते हैं तो एक बार रुककर पुलिस को सूचना दे दें, शायद उस वक्त तक इस व्यक्ति की सांसें जो है वो बाकी हो और इनको बचाया जा सकता था। लेकिन दो से तीन ट्रक इसके ऊपर से निकल कर चले जाते, शायद उन्हें दिखाई भी नहीं देता कि एक व्यक्ति की बॉडी है। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो है स्ट्रेचर पर इन्हें यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बॉडी को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, शव वाहन जो है वो मौके पर पहुंच जाता है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की जो है आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम पुलिस की टीमें पहुंचती हैं जिसके बाद जो है एक बड़ा हादसा जो हुआ उसकी जानकारी लगती है कि किसी व्यक्ति का शव जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है।